क्या आपने कभी किसी पैंथर को शिकार करते देखा है? ये वीडियो उदयपुर के पास कलड़वास गांव का है, जिसमें पैंथर ने 5 सेकंड में एक श्वान पर हमला कर दिया। घटना का पूरा वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है। घर के बरामदे में बैठे श्वान को पैंथर ने अपना शिकार बनाया। घर के बरामदे में बैठा था श्वान, तभी अचानक उसके भौंकने की आवाजें आईं। शायद अंधेरे में उसे पैंथर की आंखें चमकती हुई दिखाई दी होंगी। पैंथर दौड़ता हुआ श्वान की तरफ आया। श्वान बचने के लिए बाहर की तरफ भागा, लेकिन घर के चारों तरफ बाउंड्री होने की वजह से पैंथर के शिकार से बच नहीं सका। इस घटना के बाद से मकान मालिकों में भय का माहौल है। इस घटना के बाद वन विभाग से पिंजरा लगाने की मांग की गई। कलड़वास के लोगों में दहशत का माहौल है। इससे पहले भी ऐसी कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं। उदयपुर के आसपास की पहाड़ियों में पैंथर घूमते रहते हैं। पानी की तलाश में पैंथर गांव की तरफ आते हैं। वन विभाग के अधिकारी बताते हैं कि पैंथर का सबसे आसान शिकार ये श्वान ही होते हैं। उदयपुर के कालारोही गांव के एकलिंग इलाके में पैंथर ने एक गाय पर हमला कर दिया। आसपास के लोग जब बाहर आए तो देखा कि पैंथर ने गाय को जकड़ रखा था। भीड़ देखकर पैंथर वहां से भाग गया, लेकिन गाय ने ज्यादा घायल होने की वजह से कुछ ही देर में दम भी तोड़ दिया। आसपास रह रहे लोगों ने वन विभाग की टीम से अनुरोध किया कि इस पैंथर को पकड़ने के लिए यहां पर पिंजरा लगाया जाए। उदयपुर में सुखाड़िया सर्कल स्थित रेलवे ट्रेनिंग स्कूल में पैंथर के मूवमेंट ने लोगों में हड़कंप मचा रखा है। लोगों की मांग पर वन विभाग ने पैंथर को पकड़ने के लिए पिंजरा लगाया। ट्रेनिंग स्कूल के पीछे वाले हिस्से में झाड़ियों के पीछे पिंजरा लगाया गया, जिसमें एक बकरे को भी बांधा गया, लेकिन वापस पैंथर का यहां मूवमेंट नहीं हुआ। इसके बाद से लोग काफी घबराए हुए हैं। बांसवाड़ा जिले के नया खेड़ा गांव में पैंथर ने हमला कर पिता पुत्र को घायल कर दिया था। खेत के बीच में पैंथर छुपा बैठा था। इसी बीच में पिता पुत्र का खेत में आना हुआ। इसके बाद हमला कर दोनों को पैंथर ने जख्मी कर दिया। इस घटना के बाद गोसाई ग्रामीणों ने छुपे पैंथर को घेर कर पत्थर मारे और धारदार हथियार से भी हमला बोला और उसे मार डाला। राजस्थान में पैंथर के हमले की खबर थमने का नाम नहीं ले रही है। धौलपुर शहर के पास घुरैया खेड़ा गांव में पैंथर ने एक बछड़े का शिकार किया था। इसके बाद बछड़े की मौत हो गई। वन कर्मियों ने बताया कि कुछ दिन पहले यहां पैंथर को गाय चराने वाले एक चरवाहे ने भी देखा और उसने ग्रामीणों को इसकी इतला भी दी। ग्रामीणों की सूचना पर वन कर्मी मौके पर पहुंचे और पैंथर की तलाश की गई, लेकिन पैंथर कहीं नजर नहीं आया। वन कर्मियों ने पैंथर के पैरों के निशान लिए हैं, पगमार्क लिए हैं। इसके बाद वहां पैंथर की गतिविधि की पुष्टि हो पाई है।